मामा के यहाँ से लापता थी, फाजलपुर थाने में शिकायत करी, 2 महीने से कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। अच्छा, हमने उन्होंने 2-3 जगह का पता भी बताया, लड़की का वहाँ है तो हाँ। वहाँ जाते हैं तो ये फ़ोन कर देते पहले से ही। अच्छा, तो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा, मिलती नहीं है। कितने साल की बच्ची है? 16 साल की बच्ची सर। किस पे शक है, कहाँ कहाँ पर आपने बताया पुलिस? शक हमको देवास का था, एक लड़के के जीजा के यहाँ का। हाँ, वहाँ करीब 8 दिन रही थी वो। हाँ, तो हम वहाँ गए थे तो मिली नहीं हमको वो। अच्छा, पहले को फ़ोन हो गया तो वो गायब हो गई वहाँ से, उसको गायब करवा दी उसके जीजा ने। अच्छा, कौन? लड़के के जीजा ने, मुरारी है देवास में। कौन कर रहा है इस मामले की जांच? अशोक जी लहरी कर रहे हैं। तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं उनकी जांच से। ठीक है, ना आपने जापान जाए तो क्या बोला सर? ने बात करी लहरी जी से, आश्वासन दिया, बोले कि इनको कार्रवाई करवाओ। ठीक है, नाम आपका? मेरा नाम मनोहर चंद्र है। पूरा मामला ये सर, हमारा मामला ये है कि 24/6 को हमारी लड़की गायब हुई शीतल चंदेल के नाम से। तो हमने साजलपुर थाने पर रिपोर्ट डाली उसकी, अशोक लहरी साहब के साथ में केस है। तो लहरी साहब को हमने 3 जगह लड़की मिली, 3 जगह बताने की कोशिश करी। तो वहाँ से लड़की मतलब देवास में 10 दिन रही, लड़के के जीजा के यहाँ लड़का लड़की दो ही, वहाँ हम लेने गए तो मतलब पुलिस के साथ में ले गए, वहाँ पर पुलिस ने उनको सूचना कर दी, वापस वहाँ से वो भग गए। फिर इसके बाद खंडेलवाल के यहाँ पर बेटमा मिली, वहाँ पर हमने पुलिस को लेकर जाने की कोशिश करी, जब तक लड़की वहाँ से भी गायब हो गई। हमें ये पता नहीं लग रहा कि फ़ोन उनको कौन कर रहा है, भाई पुलिस को मालूम या हमको मालूम। इसके अलावा लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, पुलिस हमारी कहीं से कहीं तक मदद नहीं कर रही है, जाके खाना पूर्ति करके वापस आ जाती है। कौन कर रहा है ये मतलब? अशोक लहरी साहब क्या कर रहे हैं? केस उन्हीं के हाथ में है, उनको लड़के बताते हैं, लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छा, तो क्या लगता है लहरी साहब बता रहे हैं? हाँ, लहरी साहब का मतलब हाथ में केस है, लहरी साहब ही कर रहे हैं, तो इसकी पूरी जानकारी या तो लहरी साहब बताए या मतलब कि और कोई बताए, मतलब जानकारी किसको? जानकारी तो हम 2 लोगों को ही होती है। अच्छा, हम ढूंढ के आते हैं, उनको पता बताते हैं, वहाँ से लड़की गायब हो जाती है। अच्छा, सुबह हम जल्दी आते हैं तो सुबह हमारे साथ में पुलिस आती नहीं, रात को 10 बजे पुलिस आती है, दिन भर में मतलब लड़का लड़की गायब हो जाती है। तो हम पर पुलिस पर जा रहे हैं सर, पुलिस मतलब 2 महीना हो गए नाबालिग लड़की को मतलब अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, तो मतलब लेके गया किस पे शक? तो लेके गया साहब काना पिता तेजराम, ग्राम सुनावदा वाला। अच्छा, और उसके जीजा के यहाँ भी मिली, उसकी गवाह है मेरे पास पड़ोसी की, 10 दिन यहाँ पे रही है। आपका नाम? जयराम सोलंकी। धार जिले के सादलपुर का प्रकरण है, एक लड़की को कोई लड़का ले गया है, इस संबंध में वहाँ पर प्रकरण दर्ज है। इस संबंध में लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो बरामदगी के जो सही प्रयास हैं वो पुलिस द्वारा नहीं किए गए। इस संबंध में जो भी VHF है उसको निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी संभावित प्लेस है और इसके अलावा टेक्निकल जो भी जांच हो सकती है उसके आधार पर बरामदगी के प्रयास करें, उसके बाद विधिवत कार्रवाई की। सर करीब 2 महीने हो गए हैं, मतलब नाबालिग लड़की, उन्होंने जानकारी भी दी कि यहाँ पर है, फिर भी बरामदगी की कोई सीमा नहीं होती है। प्रकरण दर्ज है, इसका मतलब उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के प्रयास होते हैं, जहाँ जहाँ संभावित प्लेसेस होते हैं वहाँ पर प्रयास करती है पुलिस, पर ऐसा उसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि 2 महीना हो गया है तो बरामद नहीं होगी या होगी। सर नाम? अरविंद तिवारी, AIG IG ऑफिस।